यूपी के जनपद आगरा से बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, यूपी के जनपद आगरा में दबंगों के हौसले बुलंद है। दिन दाड़े युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया। पिटाई में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की थी। बेसबॉल के डंडे से युवक की जमकर पिटाई की गई थी। घायल हुए युवक को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। एक आरोपी को पकड़कर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंपा था। दो आरोपी अभी भी फरार बताए जाए, उनकी तलाश की जा रही है। सदर थाना क्षेत्र के देवरी रोड का यह पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के जनपद आगरा में दबंगों के हौसले बुलंद है। दिन दाड़े युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पिटाई में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की थी। बेसबॉल के डंडे से युवक को पीटा था, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। भीड़ ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा था, लेकिन अभी भी दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। थाना सदर क्षेत्र के देवरी रोड का यह पूरा मामला है। आगरा से हमारे सहयोगी हरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। तनख्वाह मिली उसे मिठाई लेने ज्यादा बाबा चक्की हनी वगैरह उसके बाद फोन कर दिया। चार पाँच बजे बुलाए इश्ते की इश्ते कुमारी है चार बड़े कह दिया मैं पहुँचाऊँ जब तक पब्लिक ने एल जी वकील को पकड़ लिया था। उसके बाद कुछ पुलिस ने अभी तक उसको अनी बघेल को वही पकड़ रखा है, मारा तक नहीं है, पूछा भी नहीं है और कौन कौन झगड़ा कुछ नहीं हो मेरे तरफ से। तो कुछ नहीं वो कह रहे हैं पैसे के सब छीन लिए लड़के के शाम के मोबाइल वोबाइल सब छीन लिए। अब पता नहीं सर कितने इसके पास है, तो पूरी पे मिली थी सर। अवनीश मवार किस तरीके गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? अभी एक गिरफ्तारी हुई है पुलिस के पास। ये हनी बघेल नाम का लड़का है, उसे थाने में बंद कर रखा है 12 तारीख से ही। 12 तारीख की घटना है बाबा आटा चक्की के पास जो है, और उसमें एक लड़के ने जो है इसे रोका था। इसके पास पैसे थे कुछ और सैलरी मिली हुई थी इसे HDFC बैंक में। ये असिस्टेंट सेल्स मैनेजर था और इसकी पूरी सैलरी जो है इन लोगों ने छीन ली है और उसे बहुत मारा है। जानलेवा इतना हमला किया है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। ये कहाँ कहाँ एडमिट रहा है? ये इसे पहले मेडिकल SN मेडिकल कॉलेज में ले गए थे, उसके बाद जो है वहाँ इसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए रेनबो हॉस्पिटल में इसे रेफर कर दिया था। वहाँ जो है इसे डायरेक्ट ICU में वेंटिलेटर पर ले लिया था, और कल 14 तारीख को जो है 3:50 पर इसने अपनी आखिरी सांस ली है जी। इसका पोस्टमार्टम हो चुका है। ये जो जानकारी मिली है वो हनी बघेल जो है लड़का है, और इसके जो पिता का नाम है दीवान सिंह बघेल। दीवान का करता है? दीवान का जो सुनने में आया है वो ये आया है कि वो भैंस वगैरह है, दूध का काम करता है, ये दूध बेचता है। कुछ लोगों से पुलिस में FIR दर्ज हो चुकी है 13 तारीख को। 13 तारीख को दर्ज हो चुकी है, 307 का मुकदमा लगाया गया है। और वो अपना जो मुझे जो बताया गया है पुलिस वालों ने, वो ये बताया है कि वो जगह जगह जो दबिश दे रही है, ये सब लोग फरार हैं। जो बाकी के लोग हैं इनके घर में ताला लगा हुआ है, पुलिस ने अपना ताला लगा दिया इनके घर पर, और जो और लोग इनके रिलेटिव हैं उनके घरों में जेंट्स सब गायब है, केवल लेडीज और बच्चे हैं केवल। और उसका दूध का काम है, उसका कुछ लोगों से ये भी पता लगा है उसका जुए का भी काम है। तो इसलिए पुलिस दबंग नहीं डाल रही, जुए का आदमी बहुत माना। इस बारे में हम कुछ